fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to fight the unbeatable foe, to reach the unreachable star. Is the government doing right by the farmers? ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ ਅਸੀਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ British were controlling Indian farmers, telling them to grow indigo. And indigo ruined the land so badly, it required so much water. Indian farmers were literally dying of hunger. They couldn't grow any food or anything there. The British continued to force them to grow indigo. They had no choice out of it. You know what they call that system of farming? Imperialistic farming? Close. Contract farming. तो मोदी जी ने ये जो तीनों बिल मतलब लागू किए हैं कि मतलब जो अडानी हैं अंबानी हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे गांव में जैसे हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो इच्छा होती है वो चीज़ खेतों में बोते हैं तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे और उसका रेट निर्धारित वो करेंगे पैदा हम लोग करेंगे लेकिन इसका रेट निर्धारित वो लोग करेंगे अडानी ने एक बार ठेका लिया था उसमें समुद्र में मछली पकड़ने का तो मछुआरों को हटा करके दो दिन भैया रुक जाओ वो कहे अपनी मशीनें लगा करके मछलियां पकड़वा लेता था कस के बाद में मछुआरों से कहता था मछली पकड़ो जाओ तो समुद्र में जब मछली मशीनें लगा के मछली पकड़वा लिया अडानी ने तो जब एक छोटी छोटी मछली भी वहाँ नहीं मिलती मछुआरे बेचारे भाग गए थे यही हाल इसमें करेगा आकर के खेती से तीन तीन बिल लाग गए हैं अब तो अपन खेती जाए वाली है हाँ खेती प्राइवेट हुई जाए हम तो मजदूरे लागत रह जाए जैसे मजदूरी किन जा रहा लागत वहाँ मजदूरी हुई जाए फिर से मजदूरी हुई जाए वह तो बताए भैया कि अपने ख्यात की चीज़ है
और घर में अगर बच्चे कह दें कि पापा मटरा आधा किलो तोड़े लेती है तब वहाँ वहाँ सरकार सरकार पूछे परी वहाँ हाँ वहाँ पूछे परी यही जो सरकार कह रहा है वही बिक रहा है। किसान आदमी कह रहे धान गेहूँ है अब गेहूँ इमा पैदा हुआ बहुत ज्यादा 10 रुपया 15 रुपया की 40 रुपया किलो लेके गेहूँ 40 रुपया किलो लेके बिक रहा है 14-15 रुपया किलो। तो किसान आदमी के यहाँ का फायदा मिले कुछ नहीं फायदा कि जो भाव लिया है वही भाव जैसे बिके तब भी ठीक है। मोदी जी को हमने वोट दिया था तो मोदी जी कह रहे थे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, आश्वासन दिए थे कि हाँ हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इस चक्कर में हम लोगों ने वोट दिया था। गांव में प्रधान बना देता है दूसरी बार तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो देश के प्रधान बने तो कितना दिमाग खराब होगा। तो करके वो मतलब इंदिरा वाली तानाशाही पर मोदी जी धीरे धीरे आ रहे हैं, तब मैं पछता रहा हूँ कि मोदी जी को हमने दूसरी बार वोट दे दिया। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है किसान जो है अभी भी अनपढ़ के ही बराबर है, तो ज़्यादातर किसान जो है वो हमारे पास आकर के जानकारी लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो प्रशासन को लगा कि ये जो है किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया हमको। पिछले 2 महीने से कम एक महीना तक पुलिस हमारे जो है दरवाजे पर बैठी रही, हमको कहीं निकलने नहीं दिया गया। उसके बावजूद हम चोरी छिपे यहाँ से भाग करके दिल्ली गए, गाजियाबाद बॉर्डर पर 3-4-5 दिन रुके, वहाँ के हालात समझे। Of the Uttar Pradesh government. The showdown escalated when the Bharatiya Kisan Union president Rakesh Tikait broke down and announced a hunger strike. Tikait vowed that he won't end the protest and would prefer to die instead of surrender. जिसको आज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। His tears in fact became the elixir to revive a thinning protest. हम यूनियन के नहीं है लेकिन चौधरी साहब की जो अंखों में आंसू निकल ले किसान हम भी हैं। हमें रोना इस बात का है अब बिल्कुल हथकड़ी इन्होंने। यहाँ जो था बिल्कुल खाली था और ये सड़क भी अभी जल्दी में बनाई गई है। हम दिल्ली जा रहे थे और सरकार ने हमें यहाँ रोक दिया गया, तो हमने जो है यहीं पे घर बना लिए अपने और ये लड़ाई हम लंबे दौर तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। आप मेरे साथ में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे किस तरह से मकान बने हुए हैं। ये हमारे मकान ही हैं सारे। सुनो ए वीरो पुलिस वाले ओ सुनो ए फौजी वीरो ए सारे सुने ओ गौर नाल किसाना दा ए होका जी। यो हाकम होया डाडा जी साडे ते तरदा वाडा जी, असी उस दा ता कुछ मंगदे नी असी मंगदे आ जो साडा जी। यो सच मनाउण ते तुलिया ए सानू जो लगदा धोखा जी। सारे सुने ओ गौर नाल किसाना दा ए होका जी। लगभग 2 महीने हो गए हमारे को इस आंदोलन के अंदर। हमको इस मेडिकल कैंप को खोले हुए और यहाँ पे जैसे किसी को चोट लग जाती है, आंदोलन के टाइम पे बहुत लोगों को चोट लगी थी, 26 तारीख को बहुतों के सिर में लगी थी, वहाँ पे भी सबका ट्रीटमेंट किया गया। देश के अंदर अगर देखा जाए तो पैसा साथ में कोई नहीं लेके जाता, सबसे बड़ी बात होती है ना कोई पैसा लेके आए ना लेके जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर प्रकार की लंगर की सुविधा है पहले दिन से आंदोलन जब ही चल रहा है, क्योंकि ना तो किसी ने इसके अंदर भेदभाव किया है, लंगर चला रखे हैं, फ्री के अंदर सेवा है, कोई किसी से कुछ कॉस्ट नहीं ले रहा। कोई भी अगर लोकल भी यहाँ पे आता है कि आंदोलन के अलावा भी कोई भी यहाँ पे आता है तो उसको भी यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा ज़्यादा। हमारे पास भी यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा रखे, निःशुल्क सेवा है, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा। हमारे जैसे दादाजी और पापा जी के समान के उम्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मतलब बहुत एज है वो, फिर भी वो इस लड़ाई के अंदर लगातार बने हुए। उनके किसी के पैर दर्द होता है, किसी के घुटने दर्द होता है, फिर वो इतने सर्वाइव कर रहे हैं। तो इससे हमें वो अलग कर रहे हैं तो हमें भी अंदर से जोश आता है कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। आंसू गैस से लगी हुई, आंसू गैस के गोले से। बाबा नानक दुखी यादे नाथ वेरे हे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी यादे नाथ वेरे हे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे।
मेरी सी कोई नेक कमाई हो मैनू गुरुद्वारे ले आई होए मेरे अपने ते छड़ गए साथ में बाबा नानक दुखी याद नाथ वे बाबा नानक दुखी। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं उनको भी यहाँ से डरा धमका के भगाया जा रहा है। अगर कभी हमारे पे ऐसा आया कि पुलिस आके हमें अरेस्ट करती है तो हम अरेस्ट देने के लिए तैयार है क्योंकि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये देश हमारा है। A long time ago, the East India Company came here. They told our farmers what they would grow and at what price their crops would be bought at. Their only interest was turning a profit. And, well, we worked really hard to get rid of them and win our sovereignty back from Britain. But they're back again, except this time it's in the guise of Jio and Adani, Ambani, all these industrialists. And mind you, they don't have any loyalty to the nation. Their only interest is in money. So I guess what I'm trying to say is, dear India, why are you bringing something back that you worked so hard to get rid of? Babu, kaha ho, aa jao. Aa jao. Are wa, aa gaya babu mera, aa gaya. अरे यार ये धान अभी सब यही लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ सब घूमते रहते हैं तो समझ में नहीं आता। तो पापा लोग कहाँ हैं? तभी धान यहाँ लगा है, मौसम गड़बड़ है, थोड़ा बहुत पानी नहीं पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, सब क्या चल रहा है? हमारा ये पिछले साल भी नहीं बिका था, ये दो साल का हो गया है, यहाँ कोई खरीदने नहीं आ रहा है, हम किसको बेच दें? इतना हम लोगों का जो दुर्दशा है किसानों की वो तो बताई नहीं जा सकती है। MSP का मतलब है सरकार द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे ये होता है कि किसानों को बता दिया जाता है कि आपका धान या आपका गेहूं, आपकी फसल जो है वो सरकार द्वारा इस रेट पर ली जाएगी, इससे नीचे नहीं बिकेगी। If the farm bills are going to make these farmers really rich, then what's the harm in giving them a minimum support price? That's a valid question. सरकार केवल वायदे करती है, MSP बनाती है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाती है। There's only one answer I can think for it. व्यापारी जो है यहाँ से सस्ता खरीदता है और आगे जा कर के वही जहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बिक्री होती है वहाँ पे जा कर के अपने सेटिंग करके वहाँ से महंगे दामों पे बेच देते हैं, MSP के दाम पे बेच देते हैं, तो MSP पे तब भी उनको 300-400 रुपये 500 रुपये कुंटल के हिसाब से बचत आ जाती है। The companies won't be buying at the minimum support price. It's a loophole for exploitation. ये हमारा मोटा धान है तो गवर्नमेंट ने इसका क्रय केंद्र पे 1868 रुपये इसका रेट लगाया है। जब हम लोग वहाँ लेके गए तो बोल रहे हैं कि आपके धान में चावल की मात्रा पूरी नहीं निकल रही, तो इसलिए किसान का धान वहाँ पर नहीं खरीदा जा रहा है। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमने धान बहुत खरीदा, हमारा टारगेट पूरा हो गया, किसान सब खुशहाल है। तू सब की बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना सूरज। वहाँ कोई विधायक का आदमी है या कोई सांसद का आदमी है वो लेके जाता है, उनसे फोन करवा देता है, उसका धान वहाँ पे ले लिया जाता है। तू सब की बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना सूरज तो लिकड़े रोज रात तेरी ढलती दिखे ना तेरे लुटरे खेत खलियान बात तेरी कौन सुनेगा। भैया ये खरीद लिए, बहुत अच्छा धान है, बहुत अच्छा। ना छोटू राम जीप आने का ना बाबा टिकैत समझाने। 5% ही किसानों का धान खरीदा गया है, 95% किसानों ने अपने घर से व्यापारियों को बेचा और वो 9-10 रुपए से लेकर 11 रुपए तक उन्होंने बेच दिया। उनको जरूरत की पैसे की आवश्यकता, उन लोगों ने धान अपना बेच दिया। अब इसमें 3 या 4 किलो पर क्विंटल पर इसमें सूखा चला गया है, तो ये भी नुकसान हुआ।
वहाँ पे किसान ज़्यादातर कॉरपोरेशन से डील करते हैं, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत है। तो यहाँ पे अब मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन ला रहा है, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्राइवेटाइजेशन यहाँ के किसानों के लिए क्यों मतलब संकट ला सकता है, क्यों बुरा है। देखो, प्राइवेटाइजेशन अगर होगा वे गोदाम, बड़े बड़े गोदाम बना दिए, उसमें माल को होल्ड करेंगे, जब बाहर शॉर्टेज होगी कीमतें बढ़ेगी उस टाइम पे उसको बेचेंगे, जब फसल आएगी अपना वहाँ से दरवाज़ा खोल देंगे, मार्केट में ज़्यादा माल फेंकेंगे, मार्केट डाउन आएगा उस टाइम पे वहाँ से कलेक्ट फिर कर लेंगे, फिर बंद करेंगे, शॉर्टेज करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, ये करेंगे। बेटा छोटू, अरे बेटा थोड़ी बरसीम ले आओ, गोड़ी दे इनके गई इनके। बरसीम लेकर का करियो थी परीत होए? अरे बेटा तो अस्सी परीत का चार भैंसिन के चारा कर रखे थे, कब हम ना ले जाई बेबा। अरे काहे ना मन बरसीन? अरे दिना मन कुछ तू खेती किसानी सोचो बेटा। खेती किसानी थोरो ना हम कर, तुम्हार चेहरा देख अत घबराए लाग रहे हो, किसानी करम होत काहे बताओ? काहे खेती किसानी ना करे तो का करियो बेटा? हम ना बना उनका अच्छे स्कूल में डारो, पढ़ी लिख के चार पैसा कमाबो। अच्छा चार पैसा पढ़े लिख के कमाइयो, खेती किसानी में काहे नहीं हो? कैसे खेती किसानी में का करियो? काहे अब बताओ, काहे हिम्मत काहे बारे छोट कर तू, का बात है, काहे खेती किसानी पहले बताओ करी काम। जब तुम ये कॉपी पेन लाओ तुमका बेटा, भाई हम समझा दी कैसे कल जा, चलो हिम्मत तुम्हारे कब बने छोटे पर, तुम खेती किसानी तेरे भाग रहे बेटा है। लोकसभा में या सांसद 543 है, हाँ। तो 543 सांसद हैं और पूंजीपति कितने हुई है, बड़े आदमी टाटा अंबानी अडानी कितने हुई हैं? 10 या 5 हुई हैं, चलो 10-5 धर दिन, 10 या 5। और किसान 80 करोड़ है, 80 करोड़, हाँ लिखो 543 लिख दिन, हाँ। 10 और 5 लिख दिन, हाँ। और 80 करोड़ लिखो, अब ये 80 करोड़ है किसान, हाँ। और तुमका इनके साथ चलने में डर लगा, 80 करोड़ कौनी संख्या तुमका डर लग रहा है? ये तो समुद्र का टैंक है, तो समुद्री टैंक है तो 80 करोड़ है ना, हाँ। तो अब 543 उड़ करके तो हम किसान 80 करोड़ है, तो 80 करोड़ से नेताओं को डरना चाहिए, हाँ। ना कि किसान को डरना चाहिए करके हुआ तो हम किसान बनने से बस एकजुटता करके साथ इतने सब करके रहो, 80 करोड़ से राजनेता डरे, 543 से काहे को डर रहे हो? हिम्मत करो खेती करने के लिए, हाँ चलो और एकजुटता रखो, आगे भविष्य बहुत अच्छा होगा बेटे, खेती किसानी से भविष्य अच्छा होगा, 80 करोड़ है, राजनेताओं को झुकना पड़ेगा आपके सामने, झुकना पड़ेगा जी बेटे, दास ऐसे करके चलते रहो, बस खेती से मुंह ना बोलना, पढ़ते लिख रहे ना बेटा, ठीक है, लो कॉपी पेन रख के आओ, चलो देखते हैं, अब समझ लेना हमारे लोग 80 करोड़ है, कभी हिम्मत मत छोटी करना। He didn't cooperate with the British. Non-cooperation was his thing. In fact, if he were here today, he would round up all the farmers, take them into the cities, line them up and down the streets with their vegetables, their produce, and say to them, sell what you want, sell it to who you want. And then he would turn to Modi and say, stop us if you like. जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद।